बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आप साथ में एक फ्लैट्स के मुतल्लक और अपडेट आ चुकी है, यानी कि कुछ अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसमें पाकिस्तान और इंडियन भाई शामिल हैं, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया शामिल है या नहीं है ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। और पाकिस्तानी और इंडियन फ्लैट्स के मुतल्लक जो भी मामला सामने आ रहे हैं उससे भी इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सऊदी अरबिया ने भाई मजीद 7 ममालिक के लिए फ्लैट्स बंद कर दिए हैं। यहां पर आपको मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी वो ट्वीट भी दिखा देता हूं और आपको साथ में पढ़कर भी बता देता हूं और उन कंट्रीज के नाम भी बता देता हूं मैं। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुतल्लक कि क्या हालात हैं, इस वक्त की सूरत हाल क्या चल रही, आप भाइयों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप देख लें सस्पेंड एंट्री टू द किंगडम फॉर नॉन नेशनल्स, वो तमाम अफराद जो इन कंट्रीज में बैठे हुए हैं वो सऊदी अरब में इंटर नहीं हो सकते हैं। हाँ, सऊदी हजरात आ सकते हैं। दोज कमिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम एंड टू कंट्रीज द रिपब्लिक ऑफ मलाई, ठीक है जी। नीचे मैं आपको यहां पर और इस तरफ आपकी पिक्चर या इस तरफ आपको ट्वीट दोनों दिखा रखा हूं, साथ में आपको इन कंट्रीज के नाम भी पढ़कर सुना देता हूं मैं। द रिपब्लिक ऑफ जम्बिया, द रिपब्लिक ऑफ मदागास्कर, द रिपब्लिक ऑफ अंगोला और साथ में कुछ 2-3 और कंट्रीज हैं जी। इन मजीद 7 ममालिक की फ्लैट्स बंद कर दी गई हैं सऊदी अरबिया के लिए। सऊदी अरबिया जैसा कि आपको पता है अफ्रीकन ममालिक के बाद वो भी 7 थे और ये भी अभी 7 आ चुके हैं। 14 ममालिक की भाई फ्लैट्स बंद कर चुका है। अभी पाकिस्तान और इंडियन फ्लैट्स के मुतालिक बात करें तो वो पाकिस्तानी और इंडियन कंट्रीज इनमें शामिल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर फ्लैट्स की बात करें और आप भाइयों के यहां पर आने के मुतालिक बात करें तो मैं खुद से अभी भी मान रहा हूं और मैं देख रहा हूं बहुत से बंदे अभी आपको ये बताएंगे और बोलेंगे भी कि आप जल्दी करें पाकिस्तान और इंडिया के फ्लैट्स बंद ना हो जाए। तो मैं खुद से अभी ये मानता हूं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के फ्लैट्स कमो बेश मेरे हिसाब से 1-3 माह तो ओपन लाजम रहेंगी, उसके बाद अगर बंद हुई तो हुई वरना भाई अभी फ्लैट्स बंद नहीं होंगी। हाँ, कुछ 1 माह बाद या 3 माह बाद या 2 माह बाद 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए ऑफ की जा सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 8-9 माह के लिए बंद कर दी जाए। आप भाई पहले अपनी इकामे और छुट्टी के मुतालिक सोचें कि उसको कैसे बढ़ाना है, उसके मुतालिक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर देख लें 30 नवंबर तक या खुद से बढ़ाएं। तो बहरहाल अपने इकामे और छुट्टी क्लियर करें। सऊदी अरब के फ्लैट्स के मुतालिक आपको पता है जो रेट वगैरह है, कंटाइन पैकेज वगैरह है, उसके मुतालिक बाद में बात होगी। रही बात फ्लैट्स बंद की, तो उन तमाम अफराद के लिए अभी भी फ्लैट्स बंद ही हैं पाकिस्तान और इंडिया में बैठे हुए जिनके इकामे और छुट्टी 30 नवंबर को खत्म हो रखे हैं। क्यों भाई, अगर आप अपना इकामा और छुट्टी खुद से आपको लगवाना पड़ गया और उसके अलावा टिकट और यहां पर कंटाइन पैकेज, तो वो पैसे आप खुद से जरब देकर देख लें कितने बन जाएंगे फिर।